हेलो वेलकम टू फतेह सर जी क्लासेस स्वागत है आपका यूपीएससी 2022 प्रीलिम एमसीक्यूज की सीरीज़ में इस सीरीज़ में हम लोग 1000 थाउजेंड एम सी आने वाले हैं जो कि आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज की वीडियो में हम लेके आए हैं सेट नंबर 13 इससे पहले ऑलरेडी ट्वेल्व सेट कम्प्लीट हो चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी ज़रूर देख लेना आप मेरे चैनल पे जाना वहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स के मिल जाएंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि जो पूरी की पूरी सीरीज़ है ये बाइलिंगल रहने वाली है इट मींस पहले इसमें मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में रीड करूँगा उसके बाद उसी स्टेटमेंट को हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बी एस सिक्स फ्यूल नॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो हमें बी एस सिक्स फ्यूल नॉम्स से हम लोगों को देखना है कि क्या स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट है एयर पोल्यूटेंट्स इन बी एस सिक्स फ्यूल आर मच लेसर देन द बी एस फोर फ्यूल्स उन्होंने कहा है कि ये जो बी एस सिक्स फ्यूल आए हैं नॉर्म्स इसमें काफ़ी कम एयर पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू बी एस फोर फ्यूल नॉर्म्स सेकेंड स्टेटमेंट है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी सी बी इम्प्लीमेंट्स दीज स्टैंडर्ड्स ये जो बॉडी है ये इम्प्लीमेंट करती है इन स्टैंडर्ड्स को हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं स्टेटमेंट फर्स्ट भी एंड स्टेटमेंट सेकेंड भी तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू तो चलो जी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने अनाउंस किया था कि बी जो सिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी से तो ये ऑलरेडी ट्वेंटी ट्वेंटी से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और उनका ये भी कहना था कि ये रिड्यूस करेगा व्हीकल पोल्यूशन जो हमारे व्हीकल्स हैं वो जो पोल्यूशन करते हैं ये जो बी एस सिक्स नॉर्म्स हैं वो उसको रिड्यूस करेगा ये जिन्होंने बोला था बी एस सिक्स की फुल फॉर्म है भारत स्टेज ये एक अमिशन स्टैंडर्ड है जो कि इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स वही इसको डिसाइड करते हैं और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है डिसाइड करने के लिए फ्यूल स्टैंडर्ड्स तो ये जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से फ्यूल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और इन फ्यूल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास बॉडी है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी वही इसको इम्प्लीमेंट करती है और जो भारत स्टेज है हमारे ये बेस्ड है यूरोपियन अमीशन स्टैंडर्ड पे जिसको कहते हैं ई एस जो हमारे बी एस हैं वो बेस्ड हैं ई एस पे क्लियर चलो आगे चलते हैं अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बी एस सिक्स एंड बी एस फोर फ्यूल्स में ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं खासकर यू पी एस सी के प्रलम में तो देखते हैं जी जो बी एस सिक्स फ्यूल है उसमें जो पर्टिकुलर मैटर है टू पॉइंट फाइव उनकी रेंज है ट्वेंटी टू फोर्टी माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर लेकिन अगर बी एस फोर की बात करें उसमें ये जो पर्टिकुलर मैटर है टू पॉइंट फाइव वो मिलते हैं वन ट्वेंटी माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तो मीन्स देखो कितने कम है उससे ये नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं या नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं इसका जो बी एस सिक्स फ्यूल है वो सल्फर कंटेंट को काफ़ी कम कर रहा है जो सल्फर कंटेंट होते हैं फ्यूल में फाइव टाइम्स कम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी एस फोर फ्यूल्स तो ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है इसमें टेन पी पी एम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन हमें सल्फर मिलता है जो कि 50 पीपीएम मिलता था बी फोर में हाई सल्फर कंटेंट का नुकसान क्या है जैसे ही ये फ्यूल में ऐड होता है तो बाकी तो हमें पता है कि पोल्यूशन तो कर ही रहा है साथ के साथ ये ऑटोमोबाइल इंजन को भी काफ़ी नुकसान करता है उसमें काफ़ी वियर एंड टीयर भी करता है और अगर बात करें अमिशन की तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें तो अगर हम लोग वन किलोमीटर के हिसाब से देखें तो बी एस सिक्स फ्यूल एट्टी परसेंट तक कम पर्टिकुलर मैटर एंड सेवेंटी परसेंट तक कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो काफ़ी अच्छा ये एक फ्यूल स्टैंडर्ड है जो कि हमारी कंट्री में जो इतना और कंट्री की नहीं खाली वर्ल्ड की बात करें तो ये जो इतना पोल्यूशन उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले करेगा सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है एट द यू एन FCC, Conference of Parties, COP26, India committed to achieve 500 gigawatt of installed electricity capacity from non fossil fuel sources by 2030. Second statement, One Sun, One World, One Grid, was jointly released by India and UK at COP26. तो इंडिया और यूके ने मिलकर ही वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को लॉन्च किया है दोनों ने मिलकर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है और हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू तो जैसे कि हमें पता है कि आंसर सी है अब देखते हैं थोड़ी सी डिटेल ये जो ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है जिसको हम लोग कॉप ट्वेंटी सिक्स बोलते हैं ये ग्लेसको में हुई है इस बार जो कि स्कॉटलैंड uh, की एक सिटी है अब कुछ फोर गोल्स पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मीटिंग में दो पॉइंट तो मैंने ऊपर आपको बता दिए वो बिल्कुल सही है वो भी आपको याद रख रहे हैं दूसरा कुछ और फोर गोल्स हैं अकॉर्डिंग टू इस दिस कॉन्फ्रेंस फोर गोल कौन कौन से फर्स्ट गोल देखते हैं कि हमें सिक्योर करना है ग्लोबल नेट ज़ीरो बाय मिड सेंचुरी एंड हमें ये जो कोशिश करनी है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको वन पॉइंट फाइव से आगे ना जाए मैक्सिमम यहाँ पर रोक लेना है जो एवरेज टेम्परेचर है पूरी अर्थ का बढ़ रहा है सेकंड जो हमारा गोल है कि हमें प्रोटेक्ट करना है कम्युनिटीज़ को भी एंड नेचुरल हैबिटेट्स को भी थर्ड हमारे पास है जो हमारा गोल हमें फाइनेंस को मोबाइल करना है मींस ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए टारगेट है कि भाई उन्होंने वन हंड्रेड बिलियन यूएस डॉलर कम से कम एटलीस्ट इतनी मनी बाकी कंट्रीज़ को देनी है ठीक है ख़ासकर वो कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ताकि वो भी क्लाइमेट uh, चेंज को रोकने के लिए अपने अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकें और फोर्थ गोल है हमारा फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक ये जो हमारी पेरिस रूल बुक है उसको भी फाइनलाइज़ करना है और उसकी डिटेल्ड रूल बनाने हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके ट्वेंटी थर्टी तक क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर कौन है ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह ऑप्शन नंबर टू है लाला लाजपत राय जी ऑप्शन नंबर थ्री है वी डी सावरकर एंड ऑप्शन नंबर फोर है चंद्रशेखर आज़ाद जो इसका सही आंसर है वो है वी डी सावरकर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर तो अभिनव भारत सोसाइटी वो एक यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं इसको 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके लिए जैसे कि हमें है कि वी डी सावरकर तो थे ही थे लेकिन इनका साथ दिया था इनके के ब्रदर ने जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर ही अभिनव ना भारत नाम की सोसाइटी की अस्टैब्लिशमेंट करी है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्वीडन कि जो स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से हम लोगों ने इसको इंस्पायर किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है ऑप्शन नंबर टू है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी तो स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उन्हीं के कहने पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है थर्ड स्टेटमेंट है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिसबल इन नेचर ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसबल हैं जस्टिसबल मीन्स अगर जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो वॉयलेट हो रही है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है हमें करेक्टेड है ना जी ठीक है और थर्ड भी गलत है तो हमारी सही है सेकंड स्टेटमेंट और जो हमारा सही आंसर है वो है बी ऑप्शन टू ओनली अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगर ओरिजिनली बात करें जब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट करी थी ट्वेंटी सिक्स जनवरी को इस टाइम पे कमेंसमेंट हुई थी नाइनटीन फिफ्टी को उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी लेकिन बाद में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जो हुई थी नाइनटीन सेवनटी सिक्स में उस ईयर इसको ऐड कर लिया गया था और ये सच बात है कि इनको रिकमेंड इनको ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी उन्होंने ही कहा था तब हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया उस टाइम पे दस फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी लेकिन अगर आज की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी टू की तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से पार्ट में आती है पार्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उसके बाद टू थाउजेंड टू में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर लिया गया इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम इलेवन है उसके बाद इनका जो आइडिया है वो हम लोगों ने बोरो किया था यूएसएसआर से जिसको एट प्रेजेंट हम लोग रशिया बोलते हैं और अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो वर्ल्ड में जापान एंड इंडिया ऐसी दो कंट्रीज़ है है डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर कि हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है और एक बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो जस्टिसबल नहीं है दे आर नॉन जस्टिसबल मीन्स अगर कोई इसकी वॉयलेशन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एस एफ ए सी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज अस्टैब्लिश अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860 एज एन ऑटोनमस बॉडी ये एक ऑटोनमस बॉडी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट सेकेंड स्टेटमेंट है द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफ पी ओ स्कीम इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई एस एफ ए सी तो ये जो एफ पी ओ स्कीम है इसको एस एफ ए सी के अकॉर्डिंग ही इंप्लीमेंट किया जाता है हमें ढूंढिया जी नॉट करेक्ट ध्यान रखना ये नॉट करेक्ट है तो अगर देखा जाए स्टेटमेंट फर्स्ट भी बिल्कुल सही है एंड सेकंड भी बिल्कुल सही है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी बिकॉज इनमें से कोई भी गलत नहीं है तो ना इधर वन नॉर टू दोनों की दोनों सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते इस क्वेश्चन की गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था नाइनटीन नाइनटी फोर में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोटियम को और इसको फैसिलिटी दी थी कि कोई भी इंसान अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने रहता है मीन्स एग्री बिजनेस वेंचर जो होंगे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है थ्रू द वी सी ए स्कीम ये जो वी सी ए स्कीम की फुल है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस द रोल ऑफ स्टेट एस एफ ए सी ये जो स्टेट की एस एफ ए सी होगी उसका रोल क्या है कि उसको प्रमोट करना है एगरी बिजनेस को और वो भी खास करके अपनी पर्टिकुलर स्टेट में अब इसी इस टाइप की जो कमेटी है वो स्टेट लेवल पर भी बनेगी और वो प्रमोट करेगी अपनी स्टेट में एग्री बिजनेस को एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ हाई है लेकिन उस एग्रीकल्चर को बिजनेस के रूप में हमें प्रमोट करना है अब इस जो, जो सोसाइटी है उसको एक बोर्ड के द्वारा मैनेज किया जाता है और उस बोर्ड के जो चेयरमैन है वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं ध्यान रखना एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड जो इसके एक्स ऑफिस वाइस प्रेजिडेंट होंगे वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर ये जो सेक्रेटरी होंगे इसके वाइस प्रेजिडेंट होंगे एक्स ऑफिस वाइस प्रेजिडेंट अब इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है एस के द्वारा सबसे पहली स्कीम है इक्विटी ग्रांट्स एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम सेकंड स्कीम है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम थर्ड है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एंड फोर्थ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम एन स्कीम तो ये सारी की सारी स्कीम्स है वो एस एफ ए के द्वारा ही इंप्लीमेंट की जा रही हैं और ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके प्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ और इसकी रिवीजन करते रहना ओके okay जी थैंक यू हैव अ गुड डे